आज का टॉपिक है अप एंड डाउन काउंटर। सबसे पहले हम अप काउंटर की प्रोग्रामिंग समझते हैं। हमने यहाँ पर एक लिमिट स्विच लिया है। हम इस लिमिट स्विच से सिलेंडर ऑन ऑफ की काउंटिंग करेंगे। जैसे ही हम इस टॉगल स्विच को पर क्लिक करेंगे, सिलेंडर मूव हो जाएगा। पीएलसी के इनपुट में हमने लिमिट स्विच का इनपुट लिया है जो नॉर्मल ओपन टाइप है, और एक रिसेट पुश बटन जिसका यूज हम काउंटर को रिसेट करने के लिए करेंगे, और आउटपुट में दो लैंप कनेक्ट है। प्रोग्राम में हमने इनपुट 0 से हमने अप काउंटर C5-1 को कनेक्ट किया है। काउंटर की प्रीसेट वैल्यू हमने 10 सेट की है। काउंटर में दो आउटपुट बिट है, एक काउंटर काउंटिंग बिट, सेकंड काउंटर डन बिट। काउंटिंग बिट से हमने आउटपुट 1, काउंटर डन बिट से आउटपुट 2 को कनेक्ट किया है, और रिसेट इनपुट 2 से काउंटर को रिसेट किया है। अब हम इसकी ऑनलाइन टेस्टिंग करते हैं। अभी काउंटर की अक्यूम्युलेटर वैल्यू 0 है और काउंटर के दोनों आउटपुट ऑफ है। टॉगल स्विच को प्रेस करते हैं तो सिलेंडर ऑन हो जाता है, और इस कंडीशन में लिमिट स्विच प्रेस हो जाता है, इसलिए इनपुट 1 भी क्लोज हो जाता है और काउंटर की अक्यूम्युलेटर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और आउटपुट 1 ऑन हो जाता है। अब हम टॉगल स्विच को ऑफ करते हैं तो लिमिट स्विच प्रीवियस स्टेट में आ जाता है और आउटपुट 1 ऑफ हो जाता है। जब तक काउंटर की अक्यूम्युलेटर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से लेस देन रहती है, तब तक काउंटर की डन बिट ऑफ रहती है। और जब काउंटर की अक्यूम्युलेटर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के इक्वल या ग्रेटर हो जाती है, तो काउंटर की डन बिट ऑन हो जाती है। रिसेट बटन को प्रेस करके काउंटर को रिसेट कर सकते हैं। अब हम काउंटर डाउन की वर्किंग समझते हैं। काउंटर अप की ही तरह काउंटर डाउन में भी दो आउटपुट बिट है, एक काउंटर काउंटिंग बिट, सेकंड काउंटर डन बिट। काउंटिंग बिट से हमने आउटपुट 2, काउंटर डन बिट से आउटपुट 3 को कनेक्ट किया है, और रिसेट इनपुट 5 से काउंटर को रिसेट किया है। अब हम इसकी ऑनलाइन टेस्टिंग करते हैं। हमने यहाँ पर प्रीसेट वैल्यू को -10 सेट किया है। जैसे ही इनपुट 0 ऑन होता है, अक्यूम्युलेटर वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर अक्यूम्युलेटर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के इक्वल और ग्रेटर देन रहती है, तो काउंटर डन बिट ऑन रहता है, और जैसे लेस देन होती है, काउंटर की डन बिट ऑफ हो जाती है।